हेलो पब्लिक, गुड मॉर्निंग। कैसा मॉर्निंग। है, ठीक हूँ। क्या कर रहा है? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज के व्लॉग में भी आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो सुबह के बजे हैं 9। मैं हो रही हूँ रेडी। और रेडी क्यों हो रही हूँ ये आप बता दूँ। क्योंकि हम जा रहे हैं आज गांव में, एमरजेंसी कोई काम हो गया है, इसलिए हम कल वहां से आए हैं और आज निकलना पड़ रहा है हमें गांव। और गांव में जाते हुए आपको दिखाएंगे अच्छे अच्छे व्यूज और खाने पीने की चीज़ें, और घर पे जो प्रोग्राम है उसका कुछ टैग देंगे, एक्चुअली खाएंगे हवन खाएंगे है, जाने। प्रोग्राम इतना बड़ा नहीं है, हवन करवाना है मम्मा के नाम का। हर साल करवाते हैं ना, पिछले साल करवा लिया था, इस साल है। तो एक्चुअली हवन करवाना था, तो वहाँ पे जा रहे हैं भैया। और कल रात फोन आया था, तो बस फटाफट रेडी होते हैं, निकलते हैं और फिर मिलते हैं आपको वहाँ जाके। हाँ, बाकी शाम को हम वापस भी आ जाएंगे। शाम को वापस आना है यार, काम बहुत है। सुबह ओके, मैं हो गई हूँ रेडी। रेडी तो क्या, सिंपल सिंपल ऐसे ही जाना है आज, गांव में गांव जैसे माहौल में जाना, तो सेम वही चीजें जाके वहां पे चेंज करूंगी अगर करना हुआ तो। मिलते हैं फिर आपको रास्ते पे। तो अभी निकल चुके हैं सिरसा के लिए, और सुबह सुबह अभी ट्रैफिक तो इतना है नहीं, मैं भी जल्दी पहुंच संडे है, जाऊंगी। ट्रैफिक होएगा आज। होएगा कि नहीं होएगा? होएगा ऐसे कैसे है? होएगा, संडे ना, संडे को लोग बाहर निकलते हैं फैमिली के साथ, इधर उधर मैरिज वगैरह के वो चल रहा है टाइमिंग। ये तो है। तो मिलते हैं फिर आपको रास्ते में, अगर कहीं रुके तो भी, अगर नहीं रुके तो जाके सीधा सिरसा। ये दो बड़े बड़े गिलास आपको लगता है मैं पी पाऊंगी? दोनों खींचो, दोनों की। जब मुझे लगा वो आपको ना एक वाले बहुत अच्छी ड्रेस मिलेगी अगर दोनों पीगी तो। रहने दो, ना ना नहीं, इतनी कैपेसिटी नहीं है। मेरी बात तो सुनो, मेरे को लगा कि वो डिस्पोजल वाले ग्लास में देंगे भैया, उन्होंने स्टील के ग्लास पर भर के दे दिए, पी जाएंगे। मैं कह रहा हूँ दोनों पीले, बहुत बढ़िया ड्रेस मिलेगी। पक्का? पक्का चैलेंज दे रहे हो? चैलेंज भाई, मैंने अभी एक कांड कर दिया। मैं गाड़ी चला रही थी और गाड़ी ज्यादा स्पीड में थी और रोक लिया पुलिस वालों ने, और लाइसेंस वगैरह भी कटेगा चलाना हमारा यहाँ पे। कभी भी गाड़ी ओवर स्पीड में ना चलाए, नहीं तो आपको ये जुर्माना भरना पड़ सकता है। भाई हमारे जो ड्राइवर साहब है गाड़ी में बैठे और बैठते के साथ ही कर दिया 2,000 रुपए के चलान का काम। तो मेरे को थोड़ी ना पता था भी आगे स्पीड वाले खड़ा, नॉर्मल स्पीड थी, कोई ज्यादा भी नहीं थी। पांच ही ज्यादा थी, ज्यादा तो नहीं थी। कितनी थी? 195 थी, 90 की स्पीड मांगते हैं ना, 90 की मांगते हैं। ज्यादा मैंने बहस इसलिए नहीं की, मैं क्यों अनजान ड्राइवर है मैं। अनजान तो आप होते तो आप भी तो स्पीड में ही चल रहे थे। फिर तो मैं तो कटवाता नहीं, आपको पता नहीं। तो भाई आगे से सबको ये चीज बोली जाती है कि आराम से गाड़ी चलाएं, जल्दबाजी ना करें, चालान कट सकता है। सब लोग फॉलो करो, पर इस चीज को मैं खुद नहीं मानूंगी। अब देखो 65 में ही जा रही, 70 में। अब फायदा क्या है? तो अब तो कट गया इस का, तो अब तो अगले डिस्ट्रिक्ट पे जाके देखें क्या होएगा। चलो कोई ना, देखिए ठीक है। चालान कटवाने के बाद अभी पेट्रोल पंप पे रुके थे तेल डलवाने के लिए, चाय पानी पिलाने के लिए। खाना खाती नहीं है ये, पीती है, ये पीती है, पीती। तो कहाँ पहुंचे अभी आप? हम नरवाना पहुंचने वाले हैं। नरवाना मतलब नजदीक है, फिर तो जल्दी पहुंच जाएंगे। क्या ले रहे हो? भी वहां से हम निकले थे एज यूजुअल, दीदी और को चंडीगढ़ के कपड़े पसंद नहीं आते, तो रास्ते में हम भूना रुके हैं। यहाँ से दीदी और को सूट लेने हैं, रजनीश की सिस्टर का और मेरे दूसरे वाले जेठानी का, तो भी देखते हैं कुछ पसंद आते। अच्छा बनाऊंगा। सुबह ही सूट परचेज कर लिया मैंने यहाँ से, और वही कि जब वापस इस साइड आते हैं तो समझ आती है कि क्या ट्रेंड में चल रहा है। वहाँ तो कुछ ऐसा ऐसा दिखते ही नहीं, नो प्रिंट एंड ऑल। तो अभी लिए हैं कुछ ऐसे ही, मतलब रैंडम ले लिए हैं, जो भी जिसको पसंद आएगा दीवार कवर रख लेंगे। तो वही सूट परचेज कर लिए, 5-7 कर लिए, जिसको हमने कर लिए 21,000 रुपए की शॉपिंग। बहुत जरूरी थी क्योंकि दीदी को ना कपड़े दिए ही नहीं, कितना टाइम हो गया मैंने, मतलब ननंद को,
मैंने सोचा पहले ले जाते हैं साथ में, फिर दीदी जो रूमर है वो भी बेचारी हर बार मुझे कुछ ना कुछ ले देती है, उसके लिए भी नहीं लिए थे, तभी मैंने यहाँ से परचेज करके सूट। तो मैंने एक अपना प्लाजो भी ले लिया है और कुछ एक बच चुका है प्लाजो, गालियां पड़ेगी घर से बोलेंगे, पता नहीं क्यों ट्रैफिक भी नहीं, फिर भी टाइम लग ही जाता है ना, 5 घंटे लग जाते हैं आते आते, दिन में आराम से चलते हैं, धूप भी बहुत है, क्योंकि जब एक चालान का झटका लगा तो फिर हमारी गाड़ी की स्पीड ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो गई थी। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं घर के, बस थोड़ी सी दूर है अभी, रजनीश जी उधर लेने गए मिठाई वाली दुकान पे प्रसाद, क्योंकि जब भी हम घर जाते हैं तो पहले मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं, तो बस पहुंच के फिर वहीं जाके आज खाना पीना खाएंगे, रास्ते में कहीं नहीं रुके हैं, बस वो जूस जूस पिया था, ऑलरेडी 2 बज गए हैं, तो फाइनली घर पहुंच गए हैं, बारी अभी बस उतरी है, ये जी हमारा घर। घर पहुंचते हुए हेलो जी, गुड मॉर्निंग, तो हम भी पहुंच गए हैं, ये वही दीदी है जिसने हमने कॉल किया था यहाँ के, फिर इसकी वही हालात, इसके वो हालात इसलिए हो रखे हैं क्योंकि घर में सारा पेंट वेंट का काम चल रहा था, दिखाऊंगी मैं बाद में भी क्या क्या करवाया, अंदर के वॉल पेपर वगैरह सब चेंज करवा रहे हैं। तो दीदी क्या बनाया है इसमें? कचरी की चटनी, वही टेस्टी टेस्टी चटनी बनाई है, और कुंडी में इसलिए यही चीज तो मिक्सी में हो जानी थी माते, नहीं होती है। रजनीश खाते हैं चटनी इसलिए बढ़िया स्पेशल, इनकी देवर भाभी की अपनी लग है ना, तेरे को दिक्कत है ना, मेरे को क्यों एक दिक्कत मेरे को अच्छा है चटनी तो उनके बाले मैं भी खा लूंगी ना। और या ये रोटियां गाय को डालने के लिए रखी है आज मंदिर में, रात देखो मिट्टी की, तो अगर ये गिर जाए तो नहीं अच्छी आ रही है शक्ल, इतने तो स्मार्ट हूँ मैं भी, ऐसी ही दिख रही हूँ आज, मैं भी ऐसे बन के आई हूँ, कोई चक्कर नहीं है। और हमारे भी रोहित नीरज जब भी घर पे नहीं है, वो गए हुए हैं, तो मैं एक बार घर का देखा, पिकनिक पे गए हैं, स्कूल वाले लेके जाएंगे, अभी नया पार्क वाटर पार्क खुला अपने यहाँ से सिरसा में, स्कूल वाले नीरज को लेके गए रोहित उसके साथ में, धक्के से वो आपके स्कूल की तरफ से चल गया, अब वापिस भी चले, तो चलो अभी खाना पीना खाते हैं फिर घर का होम टूर देती हूँ आज मैं आपको, इतनी अच्छी रोटी थी अभी बोल रही शाम में बनाऊंगी, अब अच्छा खाना नहीं है, शाम को हम वहीं चंडीगढ़ जाके ब्रेक लगाएंगे ना, आपकी मर्जी से नहीं, इस बार अपनी मर्जी से वापस भी जाना, दीदी काम है तो यहाँ पे भी रोटी डाल ली है, चटनी रायता नमक दे दिया साथ में परांठा। हाँ जी जनाब, हाँ जी, खाना खाना दे दो, जल्दी भूख लग रही है, लो इधर भी सारा भी पेंट पूंट करवा रखा है, पूरा घर सजा रखा है इस बार, तो है ना फुल तरकी क्या फुल बाल पे फुल लगा रखे हैं। हाँ तो भाई ये है हमारे पापा का कमरा जहाँ पापा बैठते हैं, और इधर आज बैठे हुए जनाब जी, पापा क्या कर रहे हैं, हुक्का भर रहे होंगे, इधर पापा हुक्का भर रहे हैं, क्या बनाए, गार्डन थीम ले लिए आपने भी, वो एयर गार्डन की, तो भाई ये हमारे पापा, मुझे पापा का कमरा सबसे ज्यादा अच्छा लगता है ना, हाँ ये पूरा वो कर रखा है, नहीं बट ये अच्छा बना हुआ है ना, गार्डन ठीक थीम तो है बट लगा भी अच्छा, और इधर ये रोहित की फोटो में ऐसा लगता है जैसे नीरज है, और उधर फैक्ट्री भी दिखा दो आप, बाद में दिखाओगे, और ये हमारे घर का मेन एंट्रेंस, मैं आपको दिखाती हूँ बाहर से पूरा एक बार कि क्या चीज है, ये यहाँ से ये है मेन एंट्रेंस, इधर आते ही इधर गाड़ी गुड़ी खड़ी करने की सीढ़ियाँ, नीचे ये पापा का कमरा, पापा के साथ इधर दीदी का बुटीक वाला कमरा, इधर ले दो आप हमारा सा एक बार पकड़ना, मैं दिखा दूं, ये इधर इनका बुटीक का रूम है, भाई मैंने सूट जो डाले होते हैं वो यही दीदी मेरे को सिल सुन के अभी भी ये और कर रहे हैं, देखो एक सूट दिखाने दो ना, ये एक सूट दीदी ने मेरा सिला हुआ था, मैंने इससे पहले सिल के रखा है, एक ये वाला सिल के रखा हुआ है, अभी मेरे जो सूट ये रात ही सिले हुए हैं, रात के सिले हुए हैं, ये पहले के सिले,
तो भाई जितने भी मेरे सूट होते हैं वो सारे ना सुन तो लो, वो सारे दीदी भेजती है यहाँ से सुन के। ये भी देखो सारा, ये पहुंचे देखो कितने अच्छे बना रखे। तो पहले मैं होम टूर दे रही हूँ, उसके बाद पीछे चलो आप मैं दिखाऊँ। उसके बाद इधर ऊपर को सीढ़ियाँ चढ़ती हैं, ये अंदर इधर आते आते इधर की वॉशिंग एरिया सारा, वॉशिंग एरिया के साथ इधर किचन है हमारी, जो कि अंदर देख ही चुके हो। ये दो रूम नीचे हैं, ये दीदी और ने बपड़ा कमरा बना लिया है नीचे वाला। पहले यहाँ पे दीदी और का कमरा ऊपर होता था, यहाँ पे वो देख। और ये हमारी नानी की लड़की शर्माती है, ये हमारी माँ का कमरा होता था जिसमें इधर माँ का संदूक भी पड़ा दिखा ना, उसको पेंट करवा दिया ताजा ताजा। ये उठता नहीं है जल्दी से, हैवी संदूक है ये हमारे पुराने जमाने का, जेल माँ की जो याद दिलाता है नॉर्मल। इधर आते ये एरिया खुला डुला आज इसलिए खिलारे इतने दिखाई दे रहे हैं आपको, क्योंकि पेंट चल रहा था पूरे घर में सारा कुछ, तो सारा सामान सुमून निकाल के बाहर करके। ये हमारा मंदिर है और ये हमारा जो है मंदिर जो है वो इधर है, दिखाना। ये हमारा पूरा मंदिर है घर का, इधर हमारे जो देवता है उनकी पाठ पूजा की जाती है और रेगुलर की जाती है सुबह शाम, घर का जो मंदिर है उसमें। और बाकी अभी अभी तो यहाँ पे सफाइयाँ हो गई हैं, क्योंकि सफाई एक्चुअल में हमारे घर में किसी के ना बच्चे का बर्थ हुआ था तो वो सूतक था, तो सूतक निकालने के लिए ऊपर ही पूरा पूरा घर ही वो कर दिया कि साफ सुथरा भी हो जाएगा। इधर ये सारा स्टोर रूम है और इधर ऊपर अगर देखे ना यहाँ से इधर ये सीढ़ियाँ चढ़ती हैं ऊपर, एक कमरा इधर आगे है, दो कमरे इधर पीछे हैं, उतर गई है मेरी। इधर के जो कमरे हैं इधर दीदी और रहते थे वो पीछे वाले पहले वाले, पीछे दो पुराने कमरे हैं साइड, इधर फैक्ट्री है हमारी, इधर एक शॉप बनी हुई है और इस साइड फैक्ट्री का पूरा वो पड़ा हुआ अभी सामान सामान, आगे उस साइड दुकान है फ्रंट पे दुकान, पीछे मकान। ये तो सर्फ सुर्फ और वो सारी चीजें हैं, बंद कर दो इसको, तो भी पूरा एक बार साफ सफाई हो चुकी है पर सामान थोड़ा बहुत इधर उधर रखा हुआ है, सारा सामान दोबारा सेट किया जाएगा। ठीक है ठीक है, घर वाला दिखा दिया मैंने आपको, फिर मत फिर बोलना मत कि दिखाया नहीं, घर दिखाया। चलिए तो भैया आज हवन था इसलिए हम लोग आए थे और हवन हो चुका है और अभी ये अपने आराम से शांत हो जाएगा, जब उसके बाद उसको यहाँ से उठा लेंगे। सब काम हो चुका है ख़त्म, अभी हम यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ जी, कहाँ थे आप? मैं वाटर पार्क जा रहा था। वाटर पार्क जा रखे थे, सुबह से ढूंढ रही हूँ नीरज का है, नीरज का है। हम गए थे 9 बजे, 9 बजे से अब आए हैं। क्या क्या किया वहाँ पे? वहाँ पे राइड्स करी, पहले तो मैं जान से डर रहा था, फिर जब मैं नीचे गया पैड़ियाँ थी, मैं पैड़ियों से नीचे चला गया, फिर बिल्कुल गहरा नहीं था, ना कोई पानी था, ठंडा था, अच्छे से एंजॉय किया। और वहाँ पे एक डांसिंग का अलग से था, प्रॉपर एंजॉय करके आया, प्रॉपर एंजॉय करके आया। इधर हो जाए बच्चे, धुआं आ रहा है उधर से, इधर आ जाए, इधर धुएं में क्यों खड़े? और क्या करा? और सबने कुछ खाया, फ्रेंच फ्राइज वगैरह खाए, बस छुट्टियां हो गई कि नहीं हुई? चलना मेरे साथ। कल हो गई इसलिए तो इतनी जल्दी आया, इसलिए तो आपके पास जाने आया। अच्छा जाने के लिए आया जल्दी, कल से मेरी छुट्टियां स्टार्ट है। दीदी भी जा रही है कोमल, ये इसको लेके जाएंगे कोमल को, 3 जुलाई तक छुट्टियां, छुट्टियां। चल फिर हो जा रेडी, फटाफट कर ले, अभी चलना है, अभी चलना है, कल नहीं चलना, अभी चलना है। अभी रास्ते में हम रुके हैं अभी खाना खाने के लिए, घर से चल पड़े थे, वो चीज मैंने दिखाई नहीं है क्योंकि हम लेट हो रहे थे, वही अपनी फिक्स जगह एज इट इज वहीं रुकते हैं आके हवेली। सुबह हम आके बैठ गए ढाबे पे, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए क्योंकि सर्विस लो नहीं। हाँ, उन्होंने सोचा कि एक और सार लोग क्वालिटी के बंदे दिख रहे हैं, इनको ए सी मिलेगी तो अच्छा लगेगा। भैया एक दाल फ्राई, एक कढ़ाई पनीर। कढ़ाई पनीर कौन खाएगा, सिंपल मंगवा लो, रायता और दाल वगैरह बस। एक दाल फ्राई, एक दाल फ्राई, एक मिक्स रायता, एक मिक्स रायता, बटर रोटी और ग्रीन सैलेड कर देना।
मैं सैलेड ही बटर रोटी लगाना है। बटर रोटी चार कर दे पहली बार से, चार कर दे, थोड़ी करारी सी हो। ओके अच्छी सी लग रही है। हो गया आपका ऑर्डर तो मैं बात कर लूं। तो भाई हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया और हमारे साथ आए हैं हमारे दो बच्चे। ये मेरी दीदी की लड़की है। किसकी? ननद सिस्टर की लड़की। इसकी, इसको वहाँ जाके थोड़ा फ्रैंक करेंगे। अभी नहीं होगी, अभी नहीं होगी, वहाँ जाके होगी ये फ्रैंक। और साथ में यार रोहित, उसको तो आप जानती नहीं आ रही तू। ये बच्चे हमारे अभी शर्मीले हैं।